एक और फिजिक्स का जबरा ट्रिक। अक्सर ये वाले क्वेश्चन आईडी मेंस एडवांस और नीट के अंदर पूछे जाते हैं, बच्चों कैसे सॉल्व करना होता है पुली ब्लॉक के प्रॉब्लम को, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर ब्लॉक है ए सी डी और ये भी एक पुली है और ये सब मासलेस पुली दिए रहेंगे। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ई। अच्छा ए बोल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, डी नीचे जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। सी का बताइए क्या होगा, हमें नहीं पता तो मान लेते हैं कि ये एक्स रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि जहां जहां पर रस्सी किसी बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में आ रही है वहां पर पॉइंट आउट कर दो 1 और 8। इसके बाद आप लोगों को क्या देखना है कि ड्यूरिंग द मोशन पॉइंट के चलने से लेंथ घट रही है या बढ़ रही है। लेंथ घटेगा माइनस कर दीजिए, लेंथ बढ़े तो प्लस कर दीजिए। जैसे ये वाला पॉइंट ए ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो लेंथ घटेगा, इसलिए यहां पर क्या होगा माइनस में 4। ये दोनों इसके साथ फिक्स है मतलब कि जीरो कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट इसके साथ अटैच है, ये कहां जा रहा है ऊपर की तरफ मतलब लेंथ को ये घटाएगा। अगर ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि एक्स ऊपर की तरफ जा रहा है ये घटाएगा तो माइनस एक्स। उसी तरह से ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है माइनस एक्स, ये नहीं चल रहा है नीचे क्योंकि इसके साथ अटैच है तो प्लस जीरो प्लस जीरो। अच्छा ये वाला देखिए पॉइंट कहां जा रहा है नीचे की तरफ मतलब ये लेंथ को बढ़ा रहा है मतलब कि प्लस 8 इज इक्वल टू आपको जीरो करना है। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। एक्स इज इक्वल टू -4 यानी एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। यानी अगर आपका आंसर प्लस आ रहा है मतलब कि आपने जो डायरेक्शन प्रिंट किया वो बिल्कुल सही है, यानी ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। और ट्रिक के लिए हमें लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ट्रिक में। जय हिंद।